नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyairway.com के आज के इस YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम दोबारा आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर के। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स एक काफ़ी कष्टदायक स्थिति होती है, काफ़ी दर्द होता है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अपेंडिक्स का इलाज प्रॉपर किया जाए या जो भी ऑपरेशन की सलाह दी गई है उसको मानना पड़ता है। लेकिन अक्सर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कि हम ऑपरेशन के बिना ही काम चला सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि ऑपरेशन से बचे रहें। तो आज इसीलिए हम ये डिस्कशन लेकर के आपके सामने आए हैं कि आयुर्वेद ने हमें अपेंडिक्स के बारे में क्या रेमेडीज़ बताई हैं जिससे कि हम ऑपरेशन से बचे रहेंगे। और दोस्तों ये प्रयोग जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आजमाए हुए प्रयोग हैं। ऐसी जगह हैं जहाँ की देसी गाय चरती हों या रहती हों, वहाँ की मिट्टी, और अगर ऐसी जगह आपको ना मिले तो ऐसे खेत की मिट्टी ले लें जहाँ पर केमिकल युक्त खाद का इस्तेमाल ना होता हो। इसको भिगोकर अपेंडिक्स से प्रभावित हिस्से पर रखें और थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहें और 3 दिन तक निराहार रहें। निराहार मीन्स के आपको 3 दिन में कुछ खाना, 4th दिन आधी कटोरी मूंग का पानी, 5वें दिन 1 कटोरी, 6ठे दिन 1 कटोरी मूंग व 7वें दिन भूख के अनुसार मूंग खाएं, 8वें दिन मूंग और चावल का आहार लें और 9वें दिन सब्जी रोटी खाना प्रारंभ कर दें। इससे अपेंडिक्स खत्म हो जाना चाहिए और जीवन में कभी दोबारा अपेंडिक्स की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और अगर साथ में 3 मिनट हर रोज सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर शौच वगैरह जाकर 5 मिनट तक प्रतिदिन, एक आसन है जिसका कि नाम है पाद पश्चिमोत्तासन, ये अगर आप करेंगे तो इससे आपको अपेंडिक्स को खत्म करने में सहायता मिलेगी। तो इस आसन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट onlyairway.com पर जाकर डिटेल में देख सकते हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। और भोजन से पहले अदरक, नींबू और सेंधा नमक खाने से भी अपेंडिक्स में लाभ मिलता है। तो दोस्तों आप भी अगर अपेंडिक्स से परेशान हैं तो आपको निश्चित रूप से ये इन्फॉर्मेशन लाभदायक रहेगी, आप ये ज़रूर करके देखें, आपको निश्चित रूप से इससे लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप ये ज़रूर करें और आपके जो फीडबैक कमेंट्स आदि हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।